अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साजिद कमर एक नए प्रोजेक्ट के साथ हाज़िर हूँ। आज हम अपने एक दोस्त, बहुत ही अच्छे दोस्त हाफिज़ मोहीउद्दीन के लिए एक छोटी सी की चेन बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बताता जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा ताकि आप इसको समझ सकें। और बहुत सारे लोग जो है वो पूछते हैं कि किस चीज़ से आप बनाते हैं, तो मैं आपको वो भी डिटेल साथ साथ बताता जाऊँगा, मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले कागज़ के एक टुकड़े पर मैंने उनका नाम हाफिज़ मोहीउद्दीन प्रिंट कर लिया है। इसको मैं कैंची से बारीक बारीक इसकी लाइनिंग रख के काटता जाऊंगा, ठीक है जी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस का मैं बताता हूं आपको। जनाब, ये मैंने बहुत ही आराम से और तसल्ली के साथ हाफिज़ मोहीउद्दीन साहब का नाम जो है वो बारीकी से कट कर लिया है। अब मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपको बड़ी तसल्ली से बताऊं। और मैंने इसमें कोशिश की कहीं से भी इनका नाम, कोई हर्फ इसमें कट ना लगे। आप देख सकते हैं कि तमाम जो वर्ड्स हैं, तमाम हरूफ हैं, वो मुकम्मल हैं, कोई नुक्ता भी नहीं कटा है, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, मैंने इस वक्त एक डाई तैयार करने की कोशिश की है, लेकिन ये क्योंकि नाम जो है इसकी लेंथ ज़्यादा है तो कुछ स्पेसिफिक गोल डिज़ाइन इसके ऊपर बन नहीं सकता, लिहाजा इसी तरह ये चलेगा। और मैंने कोशिश करूँ कि अपनी एक खुद से एक जो है बना लूँ एक डाई, ठीक है। इसके अंदर ही फिर इसको हम मटेरियल को पोर करके इसको प्रॉपरली फ्रीज कर देंगे या सॉलिड बना लेंगे इसको, ठीक है। मैं अभी इस हिस्से को सॉलिड कर रहा हूँ ताकि ये यहाँ पर टिक जाए और यहाँ पर जो हम इसके अंदर एपॉक्सी पोर करेंगे वो यहाँ पर ठहर जाए। मैंने ग्लू गन से इसको मैं थोड़ा थोड़ा जो है इसका डिस्टेंस सेट करता जाऊँगा और इसको फिर यहाँ पर सील भी करता जाऊंगा ताकि यहाँ से कोई भी इपॉक्सी जो पोर करें तो वो गिरे नहीं, ठीक है। अच्छा जी, इस थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान किया था, अब हम इसको एक दूसरी डब्बी के साथ इसकी जो डाई है इसको साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया और इसको अब हम सील करेंगे। बहुत ही इफेक्टिव और आसान सा तरीका है, आप इसको मोम के साथ जो है वो उसके जो नीचे वाले हिस्से हैं उनको सील कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका जो मटेरियल है एपॉक्सी है वो ज़ाया नहीं होगी और सीपेज नहीं होगा। करना है जल्दी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप अपनी जो टूथपिक को या जिसकी भी मदद से आप इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, उठाएंगे तो बबल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह इसको मिक्स करते जाएँ और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स करना ताकि ये सारा केमिकल एक दूसरे के साथ मिल जाए, ठीक है जी। और ये मैंने पहली तय इसलिए लगाई है ताकि इसके ऊपर जो मैं कोई चीज़ सेट करूँ तो वो नीचे बैठ ना जाए, ये ना हो कि वो दूसरी साइड से नज़र आना शुरू हो जाए, विजिबल हो जाए, उसके कोने बाहर निकलें। इसलिए मैंने कोशिश की है कि ये यहाँ पर इसको मैं लगा लूँ। मैंने थोड़ा सा इसमें इपॉक्सी रेजिन दूसरी साइड पे डाल दिया और बढ़ा दिया है, क्योंकि ये इपॉक्सी रेजिन अगर पतला होगा तो लेयर बहुत पतली नीचे वाली रह जाएगी और कोई भी मटीरियल जो है वो बाहर उसके कॉर्नर्स निकलेंगे। मैंने इसको दोबारा से थोड़ा सा बना के इसके अंदर डाला है और इसको मैं अब मिक्स कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ को ओवरडो नहीं करना आपने और इसी तरह मिक्स करते रहें। थोड़ी देर बाद आपको फील होगा कि ये क्लियर हो गया है तो फिर आप इसको छोड़ देंगे और इसको कम से कम आपने 6 से 7 घंटे के लिए रहने देना है। छेड़ना नहीं, हिलाना नहीं है और टेढ़ा नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने इसको टेढ़ा इस तरफ करके रख दिया तो एक साइड इसकी डेंस हो जाएगी, थिक हो जाएगी और दूसरी साइड इसकी थिक नहीं हो सकेगी और वो ख़राब हो जाएगा काम। तो इसलिए आपने इसको इवनली इसकी लेयर लगा लेनी है। इवन लेयर करने के बाद देखना है कहीं बबल तो नहीं रह गए कहीं कोनों में, दाएँ बाएँ, इस तरफ या उस तरफ। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक इवन लेयर जब लग जाएगी तो इसको फिर तकरीबन समझ लें कि ओवरनाइट आपने छोड़ देना है। 5 से 7 घंटे तो बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, हिलाना भी नहीं है। अब देख रहे हैं कि ये लेयर एक मुनासिब सी थिक सी लेयर लग गई है, मिनिमम ये 2 mm ज़रूर होगी और इससे कम नहीं होनी चाहिए ताकि ये ख़राब ना हो, ठीक है। अब जब थोड़ी देर गुजरती है, 7-8 घंटे गुजरते हैं, तो मैं आपको दूसरी चीज़ें इसके ऊपर सेट करके दिखाऊंगा और फिर हम मज़ीद इसको फाइनलाइज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इस जो नाम लिखा हुआ था मैंने हाफिज़ मोहीउद्दीन, इसको मैं काफ़ी देर जब एपॉक्सी रेजिन ठंडी हो गई है, ठहर गई है अपनी जगह पर, तो मैं अब इसके अंदर इसको लगा रहा हूँ। और अभी इसको फाइनली फ़िक्स नहीं करेंगे, इसको हल्का हल्का टैप करते रहेंगे, दाएँ या बाएँ करते रहेंगे ताकि ये फ़िक्स हो जाए अपनी जगह पर जहाँ पर ये इसको होना चाहिए। अच्छा जी, मैंने जो हाफिज़ मोहीउद्दीन साहब का नाम कट करके लगाया था वो मैंने तकरीबन सेंटर वाले पोर्शन में फिक्स कर दिया है, ठीक है। इसको देखें, अब मैं दोबारा हल्का हल्का मटेरियल, अभी ये वेट है, गीला है, अभी स्टेबल नहीं हुआ है, और मैं इसी कंडीशन के अंदर इसको हल्का हल्का टैप करके अपनी जगह पर फिक्स करने की कोशिश करूँगा और थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर लेते हैं। और ये जगह मैंने इंटेंशनली छोड़ी है ये वाली, ताकि हम यहाँ पर अगर कोई की चेन के लिए सुराख करना चाहें
पिन होल पिंच करना चाहें तो वो यहाँ पर हमें जगह मिल जाए। अब मैं इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्लावर्स लेकर आया था, और ये भी कोई खरीदे नहीं है, ये आम इसी तरह बाग में कहीं ना कहीं से आप तोड़ लें, आपको इजीली मिल जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, इसको आप सेट कर लीजिए अपने तरीके से जहाँ आपको मुनासिब जगह नज़र आती है, ठीक है। और मैं इसको वन बाय वन सेट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाते रहता हूँ। स्पेस थोड़ी नैरो है यहाँ पर, और फिर इसलिए मैं पूरा पूरा फ्लावर यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि उस बिल्कुल ये जहाँ से शाख से तोड़ कर बारीकी से तो इसको फिर यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ, ताकि जगह की कमी की वजह से वो उसके ऊपर ओवरलैप ना करे, क्योंकि ये साइड पर होने चाहिए थोड़े थोड़े से, ना ऊपर आए ना इधर उधर बिखरे, इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ कर इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर कोई बड़ा मटेरियल होता तो हम उसके अंदर इसको इसी तरह यूज़ कर लेते, इसको तोड़ते या अलग अलग नहीं करते छोटे हिस्सों में। और ये देखें, ये जो इसकी जो टेढ़ापन है इसके अंदर, इसको सही करने की कोशिश करें, अगर ना हो तो इसको निकाल कर अलग से दोबारा से इसको उसके अंदर यहाँ पे फेंक दें। अब देखिए, मैंने ये निकालने की कोशिश की है, वो स्टिफ था, टूट गया, इसको इसी तरह यहीं पर सेट कर दें। अगर इसको बाहर निकालेंगे तो ये ख़राब होने के चांसेस हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे फूल सेट करते जाएं। ओके फ्रेंड्स, मैंने अब इसके अंदर जो है डाई के अंदर छोटे छोटे फूल जो थे बहुत एहतियात से आराम से फिक्स कर दिए हैं, और एक चीज़ मैंने ये भी ज़रूर उसको किसके कहते हैं जैसे कहते हैं तसली कर लिया कि कोई चीज़ जैसे ये अभी भी ऊपर हो गया, हल्का हल्का ऊपर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप नेक्स्ट स्टेप में रेजिन पोर करेंगे तो वो ऊपर को उठा देगा सारा मटीरियल, तो इसलिए मैंने तसली कर ली है कि कोई भी चीज़ ऊपर नहीं आ रही है। अगर कोई है तो उसको टूथपिक की मदद से, बारीक से किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप इसको फिक्स कर लीजिए, और अब हम नेक्स्ट मटीरियल जो है उसको पोर करेंगे। अच्छा जी, अब वो कीचेन की सेकंड लेयर जो हमने बनानी है, उसके लिए मैंने फिर दो हिस्से पार्ट ए एपॉक्सी लिया है, और एक हिस्सा पार्ट बी यानी जो कम वाला हिस्सा लगता है वो इसमें डाल लिया है 2:1 में। और अब हम इसको एक बार फिर मिक्स करेंगे आराम आराम से, ताकि कोई भी लम्स ना रह जाए और ना ही इसके अंदर बबल्स पैदा हों। जब ये बन जाएगा तो फिर मैं आपको इसको पोर करके दिखाता हूँ इसके अपर लेयर के तौर पर। अच्छा जी, मैंने इसकी सेकेंड लेयर के लिए जो मटीरियल है वो मिक्स कर लिया है, इस मटीरियल को एपॉक्सी को हम इसके ऊपर पोर कर देंगे, और बड़ी एहतियात से पोर करना है ताकि कोई भी जो है फ्लावर ऊपर ना आए और अपनी जगह से हिले नहीं। अच्छा व्यूवर्स, अब हमने इसके अंदर एपॉक्सी को सारा मुकम्मल तौर पर सेट कर दिया है, और जो फ्लावर्स डूब नहीं रहते उनको भी हमने सेट कर दिया ताकि ख़राब ना हो, और उम्मीद करते हैं कि जब ये ड्राई हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। अब हम इसको मज़ीद 6 से 7 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रखेंगे, फिर देखते हैं कैसा निकलता है। जी तो नाज़रीन, 7 से 8 घंटे गुजर चुके हैं, और मैंने इसको निकाल लिया है डाई से, और ये की चेन बन के तैयार है। मैंने इसको थोड़ा सा पॉलिश भी कर लिया है, और इसके अंदर एक छोटा सा सुराख भी कर दिया ताकि इसको की चेन के तौर पर यूज़ किया जा सके। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका वीडियो आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।